दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी अपेंडिक्स की सर्जरी अभी हो चुकी है या अभी जल्दी वो अपेंडिक्स की सर्जरी कराने वाले हैं। और ये वो टॉपिक है वो जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है बहुत सारे मरीजों के द्वारा, और जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो जाते हैं। इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या परेशानियां हैं जो सामने आती हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सर्जरी के बाद आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो कौन सा समय होता है जब आपको अपने डॉक्टर से बिना देर किए मिलना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊँ, एक अपील कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबा लें सो दैट इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते हैं। अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारे पेट में या एब्डोमेन के निचले राइट हिस्से में, राइट इलियक फोसा में होता है। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन ये कई बार परेशानी का कारण बन जाता है। जब हम कोई भोजन करते हैं या जैसे कोई बीजदार भोजन हम कर लेते हैं, अमरूद खा लेते हैं या लाल मिर्ची का बीज, इस तरह की चीज़ें कई बार इस अपेंडिक्स के ल्यूमन के अंदर चला जाता है, वहाँ पे फंस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन या सूजन शुरू हो जाती है, और जब ये सूजन बढ़ने लगती है तो इसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अगर इसको समय पे ध्यान ना दिया जाए, इसका समय पे इलाज ना किया जाए, तो यहाँ पे अपेंडिकुलर एब्सेस या लंप भी बन सकता है, और अगर वो फट जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन होती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। तो थोड़ा बात करेंगे कि भी वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो जनरली अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद आती है सामने और आप कई बार उसको नज़रअंदाज कर दें। जो सबसे कॉमन और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कई बार देखिए इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, या तो ओटीसी आपको इन्फेक्शन लग जाए, अस्पताल से इन्फेक्शन लग जाए, या आप घर आके जब कोई ड्रेसिंग वगैरह खाते हैं उससे भी आपके वुंड में इन्फेक्शन लग सकता है, और ये इन्फेक्शन आपके पूरे शरीर में फैल सकता है। इन्फेक्शन का जो साइन होता है, जो पहचान होती है, वो सबसे आसान होती है कि आपको सर्जरी के बाद अगर बुखार आए और वो लगातार बना रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको या आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है, इसका फटाफट इलाज करने की। दूसरी जो समस्या होती है जिसका जनरली अपेंडिक्स के बाद मरीज को परेशानी होती है, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। उसके कारण देखिए, एक तो जो बेहोशी की दवाई होती है उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जनरली 24 घंटे के बाद मोशन पास हो जाता है, अगर नहीं होता है तो इसको ध्यान देने की जरूरत होती है। दूसरा, कई बार जो है जो आपकी इंटेस्टिन है तो कुछ समय के लिए एक तरह से पैरालाइज हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, या उसकी मोशन जो है, जो मूवमेंट है वो कम होने लगती है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तीसरा जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है वो आपकी जो आंतें हैं उनके एडिजंस के कारण भी हो सकता है। सर्जरी के बाद कई बार जो अपेंडिक्स के आसपास का एरिया है वो दूसरी आंत से या छोटी आंत से चिपक जाता है, या आंतें आपस में चिपक जाती हैं, जिनको एडिजंस कहते हैं। और अगर वहाँ पर कोई लूप बन जाए या दो आंतें दूसरे के ऊपर नीचे चिपक जाती हैं और आगे ल्यूमन पतला हो जाता है, तो इससे जो है आपको बंद लग जाता है आंत का, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मोशन पास नहीं होता है। ये एक बहुत ही इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें लेप्रोटोमी करके, यानी कि पेट को पूरा चीरा लगा के उसके बाद सर्जरी करके इसको ठीक करना होता है। तो आपको इस लक्षण को, कॉन्स्टिपेशन के लक्षण को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। चौथा, कई बार जो वुंड है आपका या अंदर की तरफ जहाँ पे से आपका अपेंडिक्स निकाला गया है, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन लोकली बन जाए और ये बढ़ जाए तो वहाँ पे पस कलेक्शन शुरू हो जाता है, और इवन अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद भी आपको वहाँ पे एब्सेस बन सकता है या पस कलेक्शन हो सकता है। तो उसमें आपको एक तो पेन होना शुरू हो जाएगा जो तेज़ हो सकता है, और आपको बहुत तेज़ फीवर होगा जो कपकपी के साथ आ सकता है। तो इन साइंस और सिम्टम्स को भी इग्नोर बिल्कुल ना करें अगर आपकी अपेंडिक्स की सर्जरी हो चुकी है। और पांचवां, मरीज को कई बार देखिए उल्टियां आने लगती हैं, या साथ ही साथ कई बार पेशाब भी रुक जाता है। तो ये थोड़ा जो टेम्परेरी होता है, अगर पेशाब आपको पास नहीं होता है, हालांकि हॉस्पिटल से आपको पेशाब पास कराने के बाद ही डिस्चार्ज करते हैं, बट फिर भी अगर घर आने के बाद आपको पेशाब आना बंद हो जाए, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। और दूसरा, आपको अगर उल्टियाँ आने लगती हैं और ये परसिस्टेंट है, तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स थे जो जनरली अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद आते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हमें सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, या कोई दूसरी अगर परेशानी आने वाली है उससे आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम कि भाई क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जो भी डॉक्टर ने पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, चाहे वो आराम करने की हो, या चाहे वो वुंड केयर से रिलेटेड हो, या चाहे आपकी दवाइयों के खाने से रिलेटेड हो, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, उनको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो बड़े रिस्क लेके आ सकती है। नंबर दो,
आप पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। अगर आप पानी कम पियेंगे तो उससे देखिए कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यूरिन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी सारी दवाइयाँ लेके आए हैं, आप दवाइयाँ खा रहे होते हैं उनसे भी कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है, बहुत सारे पेन किलर्स चल रहे होते हैं, तो आप अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपका हाइड्रेशन अगर मेंटेन रहेगा तो बॉडी के जो ओवरऑल फंक्शंस हैं या जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहेगा और आप जल्दी से सुधार की तरफ जाएंगे और आपकी रिकवरी बेटर होगी। तीसरा, आप साइंस और सिम्टम्स को पहचाने, जो वार्निंग साइंस होते हैं जैसे हमने ऊपर बात की, जिनमें जो कॉमन है कि भी एक तो पेन बहुत ज़्यादा बना रहे अगर आपके पेट में, बुखार आपको अगर चढ़ जाए और अगर ना उतरे, या वो ठंड लग के अगर आपको आता है, आपको उल्टियाँ अगर लगातार आने लगें सर्जरी के बाद परसिस्टेंट बनी रहे, और अगर आपका पेट फूलने लगे, आपको लेट्रिन के रास्ते से हवा पास ना हो, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या वुंड की साइड पे आपको पस कलेक्शन दिखने लगे, तो ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। किसी भी सर्जरी के बाद अगर इनमें से कोई भी आपको लक्षण आता है तो इनको आप फटाफट पहचान लें और बिना देर के अपने डॉक्टर से जाके मिलें। चौथा, डाइट पे अपनी ध्यान दें, बैलेंस डाइट लें जो आपके डॉक्टर ने बताया है, और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट ना लें, प्रोटीन की ज़्यादा डाइट लें, क्योंकि प्रोटीन जो है हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ाता है, और ख़ास तौर से विटामिन सी या ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है। हाइड्रेट आपको रखने के लिए मैंने बोल ही दिया, लेकिन एक हफ्ते तक आप कम से कम हल्का भोजन लें जो आसानी से पच जाए, इससे आपकी जो रिकवरी है वो स्पीडी हो जाएगी। और पांचवा, तो आप एक हफ्ते तो पूरे बिस्तर पर आराम करें, एक हफ्ते के बाद आप थोड़ा सा हल्का फुल्का आप चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। हालांकि देखिए घर में जो मूवमेंट है वो तो 24 से 48 घंटे के बाद ही आपको शुरू कर देना चाहिए, वो भी हेल्पफुल होता है, लेकिन कोई ऐसा ब्रिस्क हैवी काम ना करें, आप कुछ सामान ना उठाएं पहले एक हफ्ते में बिल्कुल भी, इवन हल्का फुल्का सामान भी ना उठाएं, उससे आपकी स्टिचेस के खिंचने का डर रहता है, वो उन पर खिंचाव आने का डर रहता है। तो एक हफ्ता पूरा बेड रेस्ट, उसके बाद हल्का फुल्का आप चलना फिरना, हल्के फुल्के आप घर के काम कर सकते हैं, बैठ के जो आप लैपटॉप चला सकते हैं काम कर सकते हैं, और 2 हफ्ते के बाद आप वॉक कर सकते हैं हल्की फुल्की सी। इस तरीके से अगर देखेंगे तो 4 हफ्ते का ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको कोई भी सामान नहीं उठाना है। 4 हफ्ते के बाद आप कुछ हल्का फुल्का सामान उठा सकते हैं, फिर इन आप हल्की फुल्की साइकिलिंग भी कर सकते हैं, और 2 महीने के बाद आप पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं। तो इन समूह का भी ध्यान रखें कि आपको कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। डेली ड्रेसिंग करना है सो दैट वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो सके, तो आपको इन्फेक्शन को होने से बचा के रखना है, और जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं डॉक्टर ने जो भी आपको बताया उनको फॉलो करना है, उनको नहीं तोड़ना है। ये कुछ चीज़ें जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है। अब बात करते हैं कि आपको अपने डॉक्टर से कब मिलना चाहिए जाके। डॉक्टर से मिलने के लिए 4 कंडीशंस हैं। आपको अगर लगातार फीवर है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है जो नहीं उतर रहा है, आपको लगातार वॉमिटिंग आ रही है, पेट बहुत तेज दर्द करने लगा है, पेट फूलने लगा है, या सर्जिकल साइट पे आपको इन्फेक्शन हो गया, वहां से कुछ पस दिखने लगा है, तो इन कंडीशंस में आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और जो भी वो आपको सलाह मशवरा या इलाज देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।